A very happy evening to my lovely बच्चा पार्टी. बच्चा पार्टी इसके पहले दिन जो हम लोगों ने क्लास किया था, that day we got to learn many new words. उस दिन हम लोग बहुत सारे नए words को सीखे थे. So the very first task that you have to do today is that you have to write those words in your copy thrice. Thrice मतलब three times, तीन बार. ठीक है, आपकी विदिशा मैडम ने तो एक ही बार लिखा है, लेकिन आप लोगों को तीन बार लिखना है. सो जस्ट लाइक दिस ऑन अ पेज ऑफ योर कॉपी ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, इस तरह से बेटा लाइन खींच लो और राइट एवरी वर्ड थ्री टाइम्स. हर वर्ड को तीन बार लिखो. केवल इतना ही काम नहीं करना है आपको, यू ऑल्सो आर सपोज टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स का स्पेलिंग भी याद करना है, एज वेल एज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो देयर मीनिंग. आपको इन वर्ड्स का मीनिंग मतलब भी पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले लिख लेना, फिर लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा, जो नहीं याद होगा उसको याद कर लोगे, उसके बाद बेटा खुद से ठीक है वॉइस रिकॉर्डिंग करके और मुझे भेज दोगे. जब अच्छे से याद हो जाए तब कि कितना आपको याद हुआ. ठीक है, ओके, चलो अब फिर बेटा शुरू करते हैं. हम लोग पहले पढ़ते हैं इन वर्ड्स को. बी यू एन जी, इसको क्या पढ़ेंगे, बंग. एल ओ डब्ल्यू इज लो, तो एक साथ मिला के पढ़ो, बंग लो, बंगलो. नाउ व्हाट इज अ बंगलो बेटा, इट इज एन इंडिपेंडेंट हाउस, अ सेपरेट हाउस. अब इंडिपेंडेंट हाउस, सेपरेट हाउस का क्या मतलब हो गया बच्चे? अच्छा, हमने अपार्टमेंट्स का भी पिक्चर देखा था. व्हाट हैपेंस इन अपार्टमेंट्स बेटा, जो हाउसेस होते हैं वो एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ, इस तरह से बना हुआ रहता है, तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रहती है. लेकिन बंगलों में क्या होता है बेटा, वो सेपरेट एक घर रहता है, उसके ऊपर और कोई घर बने हुए ढेर सारे नहीं रहते हैं. ठीक है, एक अपना अलग सा घर रहता है, वेयर देयर इज गुड अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर पार्किंग योर कार, फॉर हैविंग अ गार्डन, जहाँ पर बेटा गार्डन के लिए भी थोड़ी बहुत जगह होती है, कार को पार्क करने के लिए भी थोड़ी जगह होती है. तो उस तरह के इंडिपेंडेंट हाउस को हम लोग कहते हैं बंगलो. ठीक है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं फ्लैट्स, वो क्या है, अपार्टमेंट या फ्लैट कहते हैं हम लोग. ओके, सेकेंड इज मड, एम यू डी, मड. मड का मतलब क्या होता है, कीचड़, है ना, यानी कि जो मिट्टी से बनता है. कीचड़ किस चीज से बनता है, मिट्टी से ही ना. तो मड हाउस आपने देखा था किस चीज से बना था, मिट्टी से बना था, तो मड इज एक्चुअली कीचड़, और कीचड़ मिट्टी से बनता है. थर्ड वर्ड इज स्ट्रॉ, एस टी आर ए डब्ल्यू. आप याद करो, स्ट्रॉ हैज टू मीनिंग्स. वन स्ट्रॉ इज दैट पाइप दैट इज यूज्ड बाय अस टू ड्रिंक सम लिक्विड. एक स्ट्रॉ का तो बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, कोल्ड कॉफी पीने के लिए, या किसी और चीज को मिल्कशेक वगैरह पीना हो तो. दूसरा स्ट्रॉ क्या होता है, हिंदी में हम लोग बेटा उसे भूसा वगैरह कहते हैं. ये होता क्या है भूसा या पुआल, तो बेटा जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स मतलब हम लोग फील्ड्स में, खेतों में, फार्म्स में पौधों को लगाते हैं ना, जैसे कि राइस का पौधा हमने लगाया, वीट का पौधा लगाया, चावल का, गेहूं का, दाल का, इनका हमने अगर पौधा लगाया, तो बेटा क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद, इन अ फ्यू मंथ्स द प्लांट्स बिकम मच्योर. प्लांट्स जो है बेटा वो मच्योर हो जाते हैं, फसल पककर के तैयार हो जाती है, उसमें गेहूं चावल उग आते हैं. ठीक है, और फिर प्लांट जो है दैट गेट्स ड्राइड, प्लांट सूख जाता है, तो उस सूखे हुए प्लांट से गेहूं और चावल को अलग कर लिया जाता है, बाकी जो सूखा हुआ छोटा सा पौधा बच गया वो कहलाता है स्ट्रॉ, और उसका इस्तेमाल बेटा घर को बनाने में भी किया जाता है. ठीक है, फिर है हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस. जैसे माउस होता है ना, एम ओ यू एस ई माउस, वैसे ही होता है हाउस. देन इज ग्लास, जी एल ए डबल एस, ग्लास. ऑल ऑफ यू नो इट इज शीशा, कांच. ठीक है,
हट HUT हट इट इज झोपड़ी. इग्लू IGLOO इग IG ल्यू LOO इग्लू. स्नो ठीक है बेटा इसको अस्नो इस्नो नहीं पढ़ना है. स्नो स्नो ठीक है ध्यान से सुनो. स्नो स्नो मतलब बर्फ ठीक है. वुड WOOD वुड वुड लकड़ी को कहते हैं. लॉग उस दिन हमने देखा था बेटा कि बड़ा सा लकड़ी का गोल सा जो टुकड़ा होता है डैट इज नोन एज लॉग ऑफ वुड ठीक है LOG लॉग. चलो अब जल्दी से इसे लिख करके इनके स्पेलिंग्स को याद कर लो फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना.